ब्यूटी कल्चर सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट कोड BC 204, टॉपिक फेशियल मास्क। माईसेल्फ अर्चना गुप्ता, लेक्चरर ब्यूटी कल्चर, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। ब्यूटी मास्क। सौंदर्य प्रसाधन की दुनिया में ब्यूटी मास्क अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ब्यूटी मास्क चेहरे की त्वचा में खिंचाव लाते हैं व त्वचा को संवेदना देने का काम करते हैं। मास्क को जहाँ लगाया जाता है वहाँ की त्वचा साफ हो जाती है। यदि त्वचा को निश्चित मात्रा में खिंचाव दिया जाता है तो उसकी स्थिति पहले से बेहतर होती है। ज़्यादातर मास्क लगाते समय नरम व पेस्ट के समान होते हैं व बाद में कठोर हो जाते हैं। जब ये सूखते हैं तो त्वचा को क्लीन एंड फ्रेश बना देते हैं। मास्क में डाली जाने वाली सामग्री यदि त्वचा को उत्तेजित करती है तो कुछ समय के लिए त्वचा में तनाव हो जाता है, जिस कारण त्वचा के टिश्यू सिकुड़ जाते हैं और जब मास्क को उतारा जाता है तो त्वचा के नीचे स्थित रक्त केशिकाएं चौड़ी हो जाती हैं, जिससे त्वचा पर ज़्यादा मात्रा में रक्त आता है और त्वचा का रंग पिंक हो जाता है। चौड़ी हुई कोशिकाओं से एक तरल द्रव्य भी निकलता है जो अंतर त्वचा को हल्का सा फुला देता है, जिससे त्वचा जवान दिखाई देती है और त्वचा की लकीरें अस्थायी रूप से गायब हो जाती हैं। लेकिन यह अक्सर कुछ समय के लिए होता है। तरल द्रव्य त्वचा द्वारा सोख लेने के पश्चात त्वचा अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती है। फेस मास्क को उनके कार्य के अनुसार निम्न भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है क्ले बेस मास्क, सेकंड फेशियल पील ऑफ मास्क, थर्ड क्रीम एंड जेल। फर्स्ट क्ले बेस मास्क, यह प्राय बहुत अधिक उपयोग में लिए जाते हैं। यह त्वचा की अत्यधिक तेलीयता को सोखते हैं। नेक्स्ट है वह त्वचा के रोम छिद्रों से गंदगी हटाने का काम करते हैं। इनमें बेंटोनाइट क्ले, केओलिन, सैलिसिलिक एसिड आदि इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो तेलीय ग्रंथि की क्रियाशीलता कम करते हैं। यह तेलीय त्वचा, ब्लैमिश त्वचा, मिलीजुली त्वचा के लिए विशेष तौर से बनाए जाते हैं। क्ले मास्क में हल्का सा ब्लीचिंग एक्शन होता है जो त्वचा को हल्का रंग देता है। ये मास्क रूखी त्वचा व संवेदनशील त्वचा पर उपयोगी नहीं होते हैं। सेकंड है फेशियल पील ऑफ मास्क। यह मास्क रबर, वैक्स व कुछ विशेष प्रकार के प्लास्टिक पर आधारित होते हैं। यह हाथों की उंगलियों व ब्रश की सहायता से लगाए जाते हैं। फिर इन्हें सूखने दिया जाता है और सूखने पर इन्हें सेलोफिन टेप की तरह उतार लिया जाता है। यह मास्क त्वचा पर से मिट्टी व एपिडर्मिस की मृत कोशिकाओं को भी हटाते हैं। ज़्यादातर पील ऑफ मास्क पारदर्शी व अपारदर्शी होते हैं। यह पील ऑफ त्वचा पर ऐसी परत बनाते हैं जो पानी को सोखने के लिए त्वचा के ऊतकों को उत्तेजित करते हैं। यह सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयोगी हैं। पील ऑफ मास्क में त्वचा को नरम व मुलायम बनाने वाले एजेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्रीम एंड जेल बेस मास्क। इस तरह के मास्क मॉइस्चराइजिंग व विभिन्न तरह के उपचार देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें सिलिकॉन, कोलेजन जैसे कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जो नमी को त्वचा पर बनाए रखने की क्षमता को इम्प्रूव करते हैं और त्वचा को नरम बनाते हैं। क्रीम व जेल के रूप में यह मास्क डिहाइड्रेट त्वचा के लिए उपयोगी होते हैं। त्वचा की आवश्यकता अनुसार सप्ताह में कई बार इन मास्क को उपयोग में लिया जाता है। यह त्वचा को नरम व मुलायम बनाते हैं। नेक्स्ट है स्क्रब। इस तरह के मास्क दरअसल मास्क नहीं होते हैं बल्कि सैंड पेपर की तरह काम करते हैं, जो कि त्वचा की सरफेस को मुलायम बनाते हैं। यंग त्वचा को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। स्क्रब से त्वचा पर से मृत कोशिकाओं को हटाया जाता है। मृत कोशिकाओं के कारण अगर त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तो स्क्रब करने से वह खुल जाते हैं। 30 वर्ष की आयु के पश्चात यह त्वचा के लिए उपयोगी है, क्योंकि जैसे जैसे त्वचा मैच्योर होती है उसकी बेसल सेल के पुनः बनने की क्रिया धीरे हो जाती है। त्वचा पर से स्क्रब के द्वारा जब मृत कोशिकाओं को हटाया जाता है तो बेसल सेल भी उत्तेजित होते हैं और पुनः जीवित होते हैं। स्क्रब के बाद त्वचा किसी भी उपचार को ग्रहण करने योग्य हो जाती है।
स्क्रब प्रायः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है केमिकल स्क्रब, जिन्हें लगाने पर कोशिका को डिसॉल्व कर देते हैं। सेकंड है फिजिकल स्क्रब। ये तीन तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट है छोटे पैड के रूप में, जिसे मास्क के रूप में त्वचा पर उपयोग किया जाता है, हल्का सूखने दिया जाता है, फिर रबर सीमेंट की तरह रब किया जाता है। क्रीम के रूप में, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे दाने होते हैं, जिन्हें गीली त्वचा पर लगाकर 2-3 मिनट तक जेंटली रब किया जाता है। यह त्वचा पर से मृत कोशिकाओं को हटाते हैं। यदि त्वचा ड्राई है तो सप्ताह में एक बार, तेलीय है तो 2-3 बार इनका उपयोग किया जा सकता है। फेस मास्क की आवश्यकता क्यों होती है व कार्य। फर्स्ट है मास्क में सोखने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट रोम छिद्र को खोलने की क्षमता हो, ताकि मास्क रोम छिद्रों में से गंदगी निकाल सके। नेक्स्ट लगाने व उतारने में आसानी हो, त्वचा पर लगाते समय बहे नहीं। नेक्स्ट सूखने में ज़रूरत से ज़्यादा समय ना ले। नेक्स्ट इसमें हल्का ब्लीचिंग एक्शन होता है, त्वचा पर से मृत कोशिकाओं को हटाएं। नेक्स्ट सामान्य त्वचा के लिए नॉन सेंसिटिव व नॉन इरिटेटिंग हो। नेक्स्ट मास्क त्वचा को उत्तेजित करने वाला हो और त्वचा को मुलायम बनाकर ताजगी दे। मास्क बनाने के लिए हमको जिन कच्चे माल की आवश्यकता होती है वह निम्न है। एस्ट्रोजन पदार्थों को उस श्रेणी को दर्शाते हैं जिनमें फिटकरी, टॉनिक एसिड आदि आते हैं। मास्क प्रोटीन को अवक्षेपित करता है। एक अच्छे मास्क को बनाने के लिए निम्न सामग्री चाहिए। फर्स्ट है गम जिलेटिन, प्रिजर्वेटिव, सेटाइल एल्कोहल व बोरिक एसिड की कुछ मात्रा। नेक्स्ट परफ्यूम, कैम्फर, लेवेंडर, मैंथॉल। उत्तकों में कसाव के लिए बहुत से पदार्थ उपयोग में लिए जाते हैं, लेकिन एल्मिन एग प्रोटीन में सबसे ज़्यादा सोखने की क्षमता होती है। इसमें तरल मास्क के लिए सबसे अच्छे गुण होते हैं। एल्ब्यूमिन जल्दी विघटित होता है और कुछ लोग इसके प्रति सेंसिटिव भी होते हैं। डेक्सट्रीन, स्टार्च, कुछ अन्य गम जैसे गम ट्रेगाकैन, गम ऑफ अकेजिया, कराया गम, एल्ब्यूमिन एक अच्छे सब्सिट्यूट हैं। इन सब में अकेजिया गम सबसे अच्छा होता है। यह सॉल्युबल पदार्थ होता है, सूखने पर त्वचा पर एक समान परत बनाता है। ट्रेगाकैन गम मास्क को गाढ़ा बना देता है। अकेजिया गम तरल मास्क के लिए अच्छा होता है। एल्कोहल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एल्कोहल को जल्दी सुखाता है। इसको सुरक्षित रखना आसान होता है। इसमें कोई अप्रिय गंध भी नहीं होती है। अकेजिया गम को बेस के रूप में उपयोग लेने पर यह सिकुड़ जाता है व आसानी से टूट जाता है। इससे बचने के लिए इसमें कुछ मात्रा ग्लिसरीन मिलाएं, ताकि टूटे नहीं, उतारने में आसानी हो। गम बेस मास्क में क्ले बेस मास्क की तरह अवक्षेपित करने का गुण कम होता है, यानी सोखने की क्षमता कम होती है। गम मास्क त्वचा में खिंचाव लाते हैं।